Dear students, assalamu alaikum. Hope you all are fine in your home and taking care of your health. Dear students, today our topic is formal letters. तो बच्चों हमने पढ़ी है informal letters भी formal letters भी. तो आज मैं आपको एक और application लिखवाऊंगी. अपने आप लिखेंगे ये एप्लीकेशन अपने हेडमास्टर साहब के नाम और उनसे फीस माफ करवानी है. आप उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि हमारी फीस जो है वो माफ की जाए. तो बच्चों हमने पढ़ी है बहुत सारी लेटर्स, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स. तो आज ये जो मैंने लिखी है इसका आप स्क्रीनशॉट उठा लेंगे और आप अपनी कॉपीज जो इंग्लिश ग्रामर की कॉपीज है उस पर आप ये नोट कर लेंगे ताकि एग्जाम में आपको इससे कुछ मदद मिले. ठीक है बच्चों, तो आज की हमारी एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन में सबसे लिखा है मैंने ऊपर टू खत्म हो चुका है बच्चों. मैंने आपको लिखवाई है बहुत सारी लेटर्स, वन डे लियो, सिक लियो, है ना. तो आज हम लिखेंगे दी हेडमास्टर गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल चित्रकोट करना. सबसे पहले हवाला देंगे हम किसके नाम ये हम लेटर ये खत लिख रहे हैं, ये दरख्वास्त हम किसके नाम लिख रहे हैं. सबसे पहले हमें उसका नाम लिखना है, चाहे हम हेडमास्टर के नाम लिख रहे हैं, फॉर्म टीचर के नाम लिख रहे हैं, प्रिंसिपल के नाम, जिसके साथ जिसका भी नाम, सबसे पहले उसकी ये नाम लिखना है जिसको हम ये दरख्वास्त दे रहे हैं. उसके बाद आपने स्कूल का नाम और उसका हवाला, उसके बाद आप डेट लिखेंगे 17 सितंबर 2020, जो भी डेट होगी, 17 होगी, 16 होगी या 20 होगी, जो भी होगी, ठीक है ना. उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे हम आते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में ये हम दरख्वास्त लिखने जा रहे हैं, किसके बारे में हम ये दरख्वास्त लिखते हैं. तो सब्जेक्ट पे हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन. दरख्वास्त किसके लिए है, फीस माफ करने के लिए. तो उसके बाद आप लिखेंगे सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट माय फादर इज ए पोर मैन. आप अपने सर से ये गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा बाप जो है वो एक गरीब आदमी है. ही इज अनएबल टू बेयर माई एजुकेशनल एक्सपेंसेस इन सच एन एक्सपेंसिव एज. मेरा बाप जो है वो एक गरीब आदमी है और इस महंगाई के दौर में, ये जो आज महंगाई का दौर चल रहा है, इस दौर में वो मेरी पढ़ाई के ये अखराजात पूरे नहीं कर सकता. एक्सपेंसिव एज, इस महंगाई के दौर में ये जो मेरे एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, जितने भी मेरे एजुकेशनल ये अखराजात हैं, तो इस महंगाई के दौर में मेरा वालिद एक गरीब शख्स है जो ये अखराजात पूरे नहीं कर सकता. होप यू वुड कंसीडर दिस एप्लीकेशन इन रिमिट माई स्कूल फी. उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस दरख्वास्त पे गौर करेंगे और मेरी स्कूल की फीस माफ कर देंगे. इट विल बी योर मोस्ट काइंडनेस, आपकी यही नवाजिश होगी. योर सिंसियरली, अपना नाम लिखेंगे, क्लास और रोल नंबर. ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन मैंने आपको पहले भी बताया, एप्लीकेशन जो होती है वो ये जो चार हिस्से होते हैं इसके, जिसके नाम लिखी जाती है, डेट, सब्जेक्ट, है ना, और इसका जो खात्मा होता है लास्ट पर एंड. तो इन चीजों को देखकर जो मुद्दा है किस बारे में आपकी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एक तो एप्लीकेशन आप लिखेंगे बिल्कुल शॉर्टकट, सादा अल्फाजों में लिखेंगे ताकि ये आपकी जिससे आप ये बात करने चाह रहे हैं, एक तो मुख्तसर और उसकी समझ में आ जाए कि आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं. ठीक है, तो कई बच्चे एग्जाम में मैंने देखा है कई बार मार्किंग करते हुए आप लोग क्या करते हो, या तो एड्रेस भूल जाते हो, सीधा लिखने लग जाते हो, रेस्पेक्टेड सर आई वॉन्ट टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास फलाना फलाना, है ना, तो माई फादर इज ए पोर मैन, तो ऐसे लिखते लिखते लास्ट पे आप योर सिंसियरली भूल जाते हैं. ये जो खत कम्प्लीट किस पे होता है, जो इसके पूरे पार्ट होते हैं, हिस्से होते हैं, इन पर ये खत कम्प्लीट होता है. जैसे इसका पहला हिस्सा है पेशानी, उसके बाद अलकाब है, उसके बाद मुद्दा, जिसको हम बोलते हैं मजमून खत, किस मुद्दे पे बात हो रही है, किस मुद्दे पे हम ये, जैसे आज की एप्लीकेशन है हमारे पास फीस माफ करवाने के लिए, तो इस पे हम लिखेंगे इसमें इसी मुद्दे पे बात करनी है कि इससे हटके कहीं नहीं जाना है. तो उसके बाद लास्ट का जो खात्मा है, एंड है इसका, तो यूर सेंसेरली, ये जो इसके अपने अपने पार्ट है बच्चों, इनके अपने अपने मार्क्स है. पहले पार्ट का अपना नंबर है, दूसरे का अपना है, तीसरे का अपना है और चौथे का अपना है.
एक भी पार्ट अगर छूट जाएगा, अगर आप इसके जो मुद्दे पे बात करें, ये जो हेडिंग है, सबसे पहला इसका जो पार्ट है हेडिंग, हेडिंग के अपने मार्क्स है, उसके बाद आप जो ये लिखेंगे, ये बॉडी है इसकी में जिसमें मुद्दा है, इसको हम बोलते हैं बॉडी, इसमें जिस मुद्दे पे बात हो रही है, मतलब फीस माफ करवाने के लिए बात है, उससे हटके नहीं करना है, उसके बाद लास्ट वाला जो हमारा है कंक्लूजन, जिसे हम बोलते हैं एंड है हमारा, जो कंक्लूजन है, इसमें ये छोड़ जाते हैं बच्चे एग्जाम में, अक्सर ये बच्चे छोड़ जाते हैं। तो आप इसमें जो बॉडी है, इसमें अगर आप पूरा मजमून भी लिख दें, इस एप्लीकेशन के पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि इसके जो पार्ट हैं ये चार, इन चार ही पार्टों पे ये मुश्तमिल होता है ये हर, तो इसीलिए इन सब का होना जरूरी है, तब जाके ये जो होती है हमारा खत मुकम्मल होता है, अदरवाइज ये इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है ना, तो इन चीजों पर आप गौर करेंगे, हेडिंग पे और कंक्लूजन पे। ये चीजें बच्चे हेडिंग तो लिखते हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि कंक्लूजन बच्चे छोड़ जाते हैं, तो इन चीजों का ख्याल रखते हुए तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ आई होगी बच्चों, तो ये आप अपनी कॉपीज पर नोट करेंगे। ओके, तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक और लेटर के साथ। ओके।